जी ये शहर है, इनकी गजलों का दीवान छपने ही वाला है, आपके सब बिल चुका दिया जाएंगे। फेंक दो इनका सामान, मुफ्त खोरे निकम्मे कहीं के, क्या देख रहा है बदू? चाची ये लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप समझती हैं, बेचारे हालात से मजबूर है। क्या कहा तूने? मेरा मतलब है चंदन की और मदद दे दीजिए इन्हें। तू भी निकल जा, बड़ाया हमदर्द कहीं का। अच्छी बात है, ये ले लीजिए आपके कपड़े, पटलून में फिर भिजवा दूंगा, और देखिए मेरे तनख्वाह के जो पैसे बाकी है इनके बिल कटवा लीजिए। जाओ, जाते हैं, खुदा हाफिज, मिलने की दुआ करना, जब कोई ना हो होटल में तब हमको बुला लेना, मुझे भी बुलवा लेना। क्यों यारों, क्या ख्याल है, आज की रात इसी पुल के नीचे गुजार दी जाए? नहीं माँ बदौलत को ये जगह कुछ जमी नहीं, बड़ी वीरान वीरान सी है, और फिर किसी हसीना की रह गुजर भी तो नहीं। हसीना भाई भाड़ में और तेरी शायरी भी, सुबह से तुम्हारे सामान लेके सर पे घूम रहा हूँ, क्या मैं गधा हूँ? अम्मा बदनिया, गधा तो उसे समझा जाता है जो न हो। ये ठीक है, भटके रात को यही सोना होगा, जिसको सोना है मेरे साथ आओ और अपना अपना सामान उठाओ। अम्मा बदनिया, खैर कोई बात नहीं, दौलतचंद सामान उठा लो। ओ शहर के बच्चे, दौलतचंद को भी गधा समझ रखा है, उठा सामान अपना। चलो चलो, कोई बात नहीं, हम यही करेंगे। वो बिस्तरा भी उठा। अच्छा, शायरी के बोझ से काफी लदे हुए हैं, तुम कहते हो तो यही सही, तुम्हारे जैसे शायर बिस्तरा ही उठाते हैं, काफी हो गया।